च इंटरप्राइजेज मैंडेटरी टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री रिवाइज कौन से इंटरप्राइजेज या कौन से बिजनेस या कौन सी कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी कंपल्सरी है फर्स्ट ऑप्शन दिया है गिवेन है एंटरप्राइजेज हु शेयर्स आर लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज वो इंटरप्राइजेज या वो बिजनेस या वो कंपनीज जिसके शेयर सिक्योरिटीज़ स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है वो या फिर इंटरप्राइजेज हुज टर्न ओवर फॉर अकाउंटिंग पीरियड एक्सीड्स रुपीज़ फिफ्टी करोड़ या वो बिजनेस या वो कंपनीज या वो इंटरप्राइजेज जिसका टर्न ओवर अकाउंटिंग पीरियड का फिफ्टी करोड़ से ज़्यादा है उनको बनानी ज़रूरी है थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी फोर्थ ऑप्शन गिवन है नन ऑफ द अबाउज तो जो इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी वो कंपनीज़ या वो बिज़नेस जिसके शेयर्स या सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है सेकंड वन या उनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है एक अकाउंटिंग पीरियड में तो उन कंपनीज़ को उन बिजनेस को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी कंपलसरी है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री रिवाइज के अकॉर्डिंग नेक्स्ट है देखो बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट विल बी शोन इन विच एक्टिविटीज़ जो हमारी बैंक ओवरड्राफ्ट है कैश क्रेडिट है वो कौन सी एक्टिविटीज़ में शो की जाएगी फर्स्ट वन है ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेकेंड वन है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थर्ड वन है फाइनेंसिंग एक्टिविटी फोर्थ वन है नन ऑफ द अबाउस तो आप बताओ कौन सी होगी दिस विल बी रिकॉर्डेड या विल बी शोन इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी बिकॉज दीज आर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दीज आर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स सो इट विल बी रिकॉर्डेड या विल बी शोन इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी